देहरादून के एसएसपी कार्यालय में एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जोईवाला कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर कई बैंकों से लोन भी ले चुका है। इतना ही नहीं, आरोपी ने फर्जी आधार पर कार्ड की मदद से कई वाहन और मोबाइल फोन भी खरीदे हैं। इसके बाद पुलिस ने एक कार और 3 मोटरसाइकिल भी आरोपी से बरामद की है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, ये इसके पास से अभी हमें 10 आधार कार्ड मिले हैं और वो भी डिफरेंट नेम्स के हैं। जैसे आदित्य उपाध्याय का भी है एक, यशवंत सिंह, ललित जोशी, रक्षित द्विवेदी, तो इस तरह के डिफरेंट नाम के इसने बनाए। इसकी फ़ोटो सभी आधार कार्ड में वही लगी हुई है। तो हम जानकारी कर रहे हैं कि ये आधार कार्ड इसने कहाँ से बनाए और इसके साथ भी कोई इसके अगर ग्रुप मेम्बर्स हैं तो वो कौन है। और ये पूरा एक इस तरह का लग रहा है कि पूरा एक रैकेट टाइप का, क्योंकि इसने अलग अलग बैंक से, जो अभी हमारी जानकारी में आया, इसने 2 बैंक से 10-10 लाख के लोन भी लिए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम पुष्टि कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है। तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फैक्ट्स आएंगे फिर हम उसमें कार्रवाई करेंगे और ज़रूरत हुई तो इसको PCR में भी लिया जाए।